महिला की हत्या कर शव को घर में ही गाड़ देने की घटना के तीन आरोपियों को भिकनगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 3 जनवरी 2021 को फरियादी भाईराम निवासी भिकनगांव द्वारा अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी एवं आशंका व्यक्त की थी ग्राम मोहन खेड़ी का संतोष गोलकर के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से उसी के साथ गई होगी, जिस पर संतोष गोलकर व छायाबाई की तलाश शुरू हुई। मुखबिर से मिली सूचना पर संतोष के घर खुदाई की गई, जहाँ छायाबाई का शव मिला। थाना भिकनगांव ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था। पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए थे, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया एवं अनुभागीय अधिकारी भिकनगांव प्रवीण कुमार उइके द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी भिकनगांव निरीक्षक जगदीश गोयल के नेतृत्व में विशेष दल गठित किया गया। मुखबिर को सूचनाएं संकलित करने हेतु सक्रिय किया गया, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि मृतिका छायाबाई का आरोपी संतोष से बातचीत से लेकर प्रेम संबंध था, परंतु संतोष गोलकर को छायाबाई के चरित्र पर शंका होने के कारण उसने गांव के एक मजदूर से घर में पानी की टंकी बनाने के लिए गड्ढा खुदवाया था, फिर छायाबाई को घर पर बहाने से बुलाकर उसकी हत्या कर उस बने गड्ढे में डाल दिया। सुनील पिता किशोर उम्र 28 साल निवासी मोहन खेड़ी, अनिल पिता मीठा राम उम्र 25 साल निवासी पिपराड़, सकुबाई पति किशोर उम्र 58 साल निवासी मोहन खेड़ी ने मिलकर छायाबाई के शव को गड्ढे में मिट्टी डालकर गाड़ दिया और ऊपर सीमेंट कंक्रीट का प्लास्टर कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों से भिकनगांव पुलिस द्वारा हत्या में सहयोगी आरोपियों की गिरफ्तारी कर आरोपियों से घटना में प्रयोग की गई सामग्री विधिवत जब्त की गई। मुख्य आरोपी संतोष पिता किशोर घटना दिनांक से लगातार फरार है। अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भिकनगांव प्रवीण कुमार उइके के मार्गदर्शन में थाना भिकनगांव के निरीक्षक जगदीश गोयल के नेतृत्व में लक्ष्मी नारायण पाल, हरिप्रसाद पाल, रमेश पवार, शकील खान, नंद किशोर राय आदि का सराहनीय योगदान रहा। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।